दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मुलेट हेयर कट कैसे करते हैं, यानी कि जेवर जो हेयर कट होता है, जिनकी ये होता है फेड कट में, भाई इसको कैसे करते हैं, इसी वीडियो में बने रहना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट। अब हम लगाएंगे स्पिन, ऊपर वाले बालों को हम कवर करेंगे, ठीक है, ऐसे आपने कवर कर लेना। सबसे पहले मेरे पास जी वाला कंघा, ठीक है, हम लोग मुलेट हेयर कट करेंगे, जिनकी आसान तरीका है, इसी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता लगेगा हम लोग मुलेट हेयर कट कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ब्लैक कलर का कंघा और जीरो नंबर वाली ट्रिमर है, ठीक है, जैसे मैं टेपर में चला रहा हूँ आपने भी ऐसे टेपर में ही चलानी है, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है जो हमारे को डार्क रखना पड़ता है, अगर उसको दबा के लगाओगे तो उसमें क्या होगा, लाइट हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये मुलेट हेयर कट होते हैं ऐसे ही होते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपने ऐसे ऊपर ऊपर को उठा के कंघे को लगाना है, ठीक है, अगर ऊपर को लगा के चलाओगे तो फिर आपका हेयर कट बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और साइड साइड में गुलाई देनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपकी गुलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो भाई खराब हो सकती है हेयर कट, ठीक है, इसको ध्यान पे रख के काम करना आपने, ठीक है, साइड साइड में आपने ऐसे लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं सेट करूँगा ऊपर वाले, ठीक है, आपने हल्का हल्का ऐसे सेट कर देना, ठीक है, और ज़्यादा नहीं करना। अब आ गया गाइस मेरे पास 3 mm का कंघा, ठीक है, मैंने पहले कंघे के साथ सेट किया है और अब मैं लगाऊंगा वहाँ पर नीचे 3 mm, ठीक है, और इसके साथ ही आपको मिलेगा कंघा ये वाला, ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो बड़ी वाली ट्रिमर के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वहाँ पर ही लगाना, हमने हल्का हल्का मिनिमम करना है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं इसको उतार दूंगा कंघे को, ठीक है, वहाँ पर मैं जीरो लगाऊंगा, वहाँ पर कट लगा के, यानी कि मैं वहाँ तक ही रखूँगा, ठीक है, देखो क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऊपर चली जाएगी, फिर मेरी मैच होगी नहीं, ठीक है, वहाँ से मैंने कर दिया। अब आएगा 1.5 mm वाला कंघा, जो जीवन लाइन दिख रही ना आपको, आपने उसके ऊपर चलाना, ठीक है, देखो मैं जैसे चला रहा हूँ, ठीक है, गैस आप देख सकते हो, ठीक है, यानी कि ऊपर नहीं जाना आपने, ऊपर वाले को टच नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब मैं इसको उतार दूंगा, जो मेरी नीचे नीचे वाली लाइन है, ठीक है, मैं उसको रिमूव करूंगा, देखो कैसे करूंगा, ये देखते रहना, उसके साथ आप मैच हो जाएगी, बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है, पर लेकिन ऊपर वाले को टच नहीं करना, जो ये वाली लाइन दिख रही है उसको कैसे करेंगे ये देखते रहना। अब आएगा इस मेरे पास 4.5 mm वाला कंघा, जो जीभ वाली हल्की हल्की दिख रही है ना, मैं सिर्फ उसको ही रिमूव करूंगा, ठीक है, ऊपर ऊपर करके, ठीक है, ऊपर ऊपर करके लगाना आपने, हो जाएगी सेट, हो गया। अब मैं लूंगा फिर छोटा वाला नंबर, अब मेरे पास आ गया 3 mm वाला फिर कंघा का, जो हल्की हल्की दिख रही है ना, मैं उसको रिमूव करूंगा, देखो ठीक है, मेरी तो हो चुकी है ये वाली, ठीक है, उसको तो हल्का हल्का आपने ऐसे ना ऊपर को टेपर में रख के उसके बाद आपने ऐसे मैच कर देना है, ठीक है, ऊपर नहीं जाना आपने, क्योंकि ऊपर जाओगे तो आपकी जीवल जो होगी डार्क लाइट हो जाएगी, ठीक है, और इस वाले को झाड़ करके साइड साइड में वहाँ से कट लगाऊंगा मैं, बिल्कुल का हाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है, आपको बताया, ठीक है, सेम चीज़ आपने ऐसे करनी है, और मैंने गाइस
फिर 3 mm वाला कंघा ले ली, यहाँ पर मैं लगाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको हम हीम करूँगा अलग अलग, क्योंकि हम लोग इसीलिए यार नंबर बाय नंबर लगाते हैं, क्योंकि मेरी मैच है ना जो अगर एक नंबर मैं घटाऊँगा बढ़ाऊँगा ठीक है, उसके बाद नीचे जीरो हो जाएगा, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग मैच करेंगे, है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ देखो, आप ही ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने फिर 4.5 mm लगा लिया, ठीक है, कंघे को। जो ऊपर वाली जीवन लाइन होगी आपने उसको ऐसे क्लियर कर देना, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको उतार दूंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा जीरो। जीरो भी आपने ऐसे टेपर में लगाना है, ठीक है। ऐसे इतना पे लगा लेना, ठीक है आपने। उसके बाद मैं छोटा नंबर लगाऊंगा, यानी कि 1.5 mm वाला, देखो मैं लगा लिया, ठीक है। ये वाली लाइन दिख रही है, आपने इसको ऐसे रिमूव कर देना, तो आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, देखो होगी। जो हल्के हल्के होंगे आपने कंघे के साथ उसको ऐसे मैच कर देना, ठीक है। हल्के हल्के ऊपर को पेपर में रखना है, साथ में लगा के रखना है, पेपर में रखोगे तभी आपका स्नो। ठीक है, इसके बाद आपने ऐसे राउंड दे देना, ठीक है। बाल साइड में करके ऐसे आपने कट देना, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे हल करका सेटिंग करेंगे, कैसे करते हैं ये देखते हैं। कट करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे आपने गाइस नीचे से कोड लगा के उसके बाद आपने ऐसे मैच कर देना, ठीक है। ऊपर ऊपर को जाना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमने डार्क रखना है, लाइट नहीं रखना। अगर लाइट रखोगे वहाँ पर क्या होगा, फिर अच्छा ही लगेगा हेयर कट ये वाला, ठीक है। आगे इस वाले साइड से सेम या हल्के हल्के हम लोग काटेंगे, यानी कि ज़्यादा नहीं काटेंगे, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से काट सकते हो। सेम चीज आपने, सेम चीज आपने ऐसी करनी है, जो जी वाली लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, ऐसे यहाँ पर लगा करके टेपर में रखना है, ऊपर को उठा कर रखना इस वाली साइड पे, ठीक है। वो तभी आपकी मैच होगी इसके साथ में, ठीक है। यानी कि ज़्यादा नीचे नहीं लगी जाना, आपने ज़्यादा नीचे नहीं लगी जाना, ठीक है। अब हम करेंगे हल्के का ऊपर से सेट, ठीक है। आपने ऐसे फिंगर में अगर मैं बाल काटूंगा ना तो मेरे आई के दिन प्रॉपर दिखेंगे बाल, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं दिखेगा आपको। इस साइड में करूंगा तो देखो मेरे प्रॉपर, देखो हल्के हल्के रहते हैं, तो मैं उसको ऐसे सेट करूंगा।
हल्के लगाए से आपने ब्लेड लगाना है, ठीक है। लो जी गाइस, हमारा हेयर कट हो चुका, आप देख सकते हो मुलेट हेयर कट दोनों साइड में हमने ऐसे किया, आप भी ऐसे कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और इस वाले साइड पे भी ऐसे करना, ठीक है। मुलेट हेयर कट भाई ऐसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।